हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसका नाम है क्रिसमस ट्री। तो एक क्रिसमस ट्री ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? देखिए, ये एक थ्री लेग स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम 6 ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं। ये बेसिकली बटरफ्लाई का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो आप इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हो और किस तरह से आप इसको डायरेक्शनल टिल्ट दे सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि क्रिसमस ट्री ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शन के स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17733 पे, मतलब 17700 है। ये ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है। तो यहां पे आपको क्या करना है, क्रिसमस ट्री ऑप्शन स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक थ्री लेग स्ट्रेटजी है। तो हम एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, उससे आउट द मनी में जाके और हम 3 कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे और उससे फर्दर आउट द मनी जाके और हम 2 ऑप्शंस को बाई करेंगे। तो देखिए ये आपको किस तरह से करना है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मार्केट 17700 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। तो 17700 है, इसका एक कॉल ऑप्शन मैं बाई कर लेता हूं। इसका एक लोट मैंने बाय कर लिया और इसका प्रीमियम कितना है, 319 रुपीज़ पे करके और मैंने ये ऑप्शन बाय कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से आउट द मनी जाऊंगा और मान लीजिए यहाँ से मैं 300 पॉइंट आउट द मनी जाके और 18000 के कॉल ऑप्शन के 3 लोट सेल कर देता हूँ। तो देखिए ये 3 लोट मैंने सेल कर दिए हैं। तो अब आप देखिए, मैंने 18000 के ऑप्शन के 3 लोट सेल कर दिए हैं और 17700 का कॉल ऑप्शन है, इसका एक लोट बाय कर रखा है। तो अब आप एक चीज को समझिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 18000 के कॉल ऑप्शन के जो मैंने 3 लोट सेल कर रखे हैं, इसमें मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लोट सेल किए हैं, लेकिन उन 3 लोट में से एक लोट को हैज करेगा जो 17700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है वो। मतलब नेकेड ऑप्शन सिर्फ 2 ही मैंने सेल किए हैं, एक लोट को हैज कर रहा है ये कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय किया है एट द मनी के कॉल का। तो यहाँ पे 3 लोट जो मैंने सेल किए हैं, इसमें से 2 लोट है वो नेकेड है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 लोट जो नेकेड है इनको हमें हैज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं और आउट द मनी में जाके और हैज बाय करूंगा ये जो 2 लोट नेकेड है इनके लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गैप था ये 300 पॉइंट का था, तो अब आपको ये गैप सिर्फ हाफ ही रखना है। मतलब 17700 से 18000 के बीच का जो गैप है ये 300 है, तो 300 का हाफ कितना हो गया, 150। तो आपको 18000 से 150 पॉइंट ऊपर जाना है और 18150 पे जाके और 2 लोट बाई कर लेने हैं इसके कॉल ऑप्शन के। तो इसके 2 लोट मैंने बाई कर लिए। ये 2 लोट मैंने क्यों बाई किए हैं, क्योंकि 18000 के कॉल ऑप्शन के मैंने 3 लोट सेल किए थे और उन 3 लोट में से एक लोट को हैज कर रहा था 17700 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाई किया था। तो मतलब उन 3 लोट्स में से एक लोट को तो हैज कर रहा था 17700 का कॉल ऑप्शन और जो 2 लोट नेकेड बच गए थे उनकी हैजिंग मैंने बाई कर ली है 18150 का कॉल ऑप्शन के 2 लोट बाई करके, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लोट बाई किए हैं। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया है, 17700 के कॉल ऑप्शन का एक लोट मैंने बाई किया है, 18000 के कॉल ऑप्शन के 3 लोट मैंने सेल किए हैं और 18150 के कॉल ऑप्शन के 2 लोट मैंने बाई किए हैं। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 13400 रुपीस का है और मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 1500 रुपीस का है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो यहाँ पे एक्सीलेंट आपको मिलता है और मार्जिन कितना चाहिए आपको यहाँ पे, ऑलमोस्ट 54000 रुपीस। तो ये होती है एक क्रिसमस ऑप्शन स्ट्रेटजी। एक नेकेड कॉल को बाय करने से बेटर है कि आप इस तरह से ट्रेड करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है बटरफ्लाई का, इसीलिए यहाँ पे आपको जो पे ऑफ चार्ट दिख रहा है ये एक बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि क्रिसमस ट्री ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है। ये बटरफ्लाई जैसी दिखती है, इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन ऐड किया है। एक कॉल ऑप्शन को बाय करके उसके अगेंस्ट मैंने 3 कॉल ऑप्शन सेल कर दिए हैं, ये एक रेशियो स्प्रेड बन गया और जो एक्स्ट्रा नेकेड ऑप्शन थे उनको हैज करने के लिए उतने ही लोट मैंने और फर्दर आउट द मनी जाके बाय कर लिए हैं। तो ये है एक क्रिसमस ऑप्शन स्ट्रेटजी। अब देखिए इसमें और आप मॉडिफिकेशन ऐड कर सकते हो, आप इसको और बुलिश और बेरिश बना सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए सब कुछ मैं हटा देता हूं। तो देखिए मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 17750 पे। 17750 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो आपको क्या करना है, 1700 का एक कॉल ऑप्शन आप बाई कर लीजिए। एक लोट मैंने बाई कर लिया, इससे मैं 200 पॉइंट आउट द मनी जाके और 17900 के कॉल ऑप्शन के 3 लोट सेल कर दूंगा। ये 3 लोट मैंने सेल कर दिए 17900 के कॉल ऑप्शन के। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो गैप है ये आपने 200 पॉइंट का रखा है, अब आप गैप को 300 पॉइंट कर दीजिए। तो 17700 से मैं 17900 पे आया और अब 17900 से मैं 300 पॉइंट और आउट द मनी जाऊंगा। तो 17900 से अगर मैं 300 पॉइंट आउट द मनी जाता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा 18200 पे। तो 18200 के कॉल ऑप्शन के 2 लोट आप बाई करिए।
तो अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आपने इसको डायरेक्शनल टिल्ट दे दिया है, अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और आपको कितना प्रॉफिट होगा 6,300 रुपीस का, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना इस ट्रेड में 16,000 रुपीस का, और लॉस अब आपका देखिए 13,000 हो गया है, क्योंकि आपने डायरेक्शनल टिल्ट दिया है, इस वजह से दूसरी साइड में आपका लॉस है वो बढ़ जाता है। तो इसको भी एक क्रिसमस स्ट्रेटजी बोला जाता है, यहाँ पे आपने डायरेक्शनल टिल्ट दे दिया है। अब जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया यही आप पुट ऑप्शन के साथ भी कर सकते हो, वो एक बुलिश स्ट्रेटजी हो जाएगी, उसको बोलते हैं पुट क्रिसमस ट्री। तो देखिए वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,750 पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी का एक पुट ऑप्शन बाई करूंगा। तो 17,800 जिसका डेल्टा 51 है, इसका एक लोट मैंने बाई कर लिया। अब इससे 200 पॉइंट में आउट द मनी जाऊंगा, 17,800 से 200 पॉइंट में आउट द मनी गया तो मैं पहुंच जाता हूं 17,600 पे। यहां पे मैं तीन लोट सेल करूंगा, 17,600 के तीन लोट मैंने सेल किए, और अब यहां से मैं और आउट द मनी जाऊंगा। यहां पे जो गैप था ये मैंने 200 पॉइंट का रखा था, तो अब मैं गैप 300 पॉइंट का रखूंगा। तो 17,600 से अगर मैं 300 पॉइंट और आउट द मनी जाता हूं तो ये आ जाता है 17,300। तो 17,300 के दो लोट मैं बाई कर लूंगा। ये दो लोट मैं क्यों बाई कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तीन लोट सेल किए हैं मिडल स्ट्राइक के, और एक लोट मेरा नीचे की तरफ बाई था। तो उन तीन लोट्स में से जो मैंने सेल किए हैं, एक लोट को तो हैज कर रहा था एट द मनी का पुट ऑप्शन जो मैंने बाई किया था, और जो दो लोट नेकेड बच गए थे उनको हैज कर दिया मैंने और आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाई करके। तो अब आप देखिए ये पे ऑफ चार्ट बनता है, ये मैंने इसको बुलिश टिल्ट दे दिया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे हर जगह प्रॉफिट होगा, और मेरा प्रॉफिट कितना है 4,600 रुपीज का। तो ये है एक पुट क्रिसमस ट्री। तो देखिए ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको ये भी दिखा दिया है कि इसको आप डायरेक्शनल बायस किस तरह से दे सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो एक क्रिसमस ऑप्शन स्ट्रेटजी को। और यहां पे आप देखिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ऊपर जाती है, ऑलमोस्ट 70,000 अब आपको मार्जिन चाहिए। तो जब आप इसको डायरेक्शनल बायस देते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ऊपर जाती है। तो चलिए ये होती है क्रिसमस ट्री ऑप्शन स्ट्रेटजी, और ये एक मॉडिफाइड वर्जन होता है बटरफ्लाई का। तो मैंने आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा वीडियो बताया जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह से एक क्रिसमस ट्री ऑप्शन स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हो और आप किस तरह से इसको डायरेक्शनल बायस दे सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।